अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कतर में फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत हो चुकी है और आप यकीन नहीं मानोगे इतनी अच्छी और बड़ी मिसाल कतर ने पेश की है कि सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। सबसे पहले कतर के किंग तमीम बिन हमद ने बड़े बड़े स्टेडियम बनवाए और क्योंकि पूरी दुनिया से लोग आएंगे तो इस्लाम को फैलाने के लिए स्टेडियम की दीवारों पर अल्लाह के नबी की हदीस लिखवा दी और खुशबू लगाना अल्लाह के नबी की सुन्नत है तो पूरे स्टेडियम में फ्री में इत्र बांटे और सर ढकना भी अल्लाह के नबी की सुन्नत है तो यह सुन्नत भी इन्होंने जिंदा की और स्टेडियम के स्पीकर के लिए डॉक्टर जाकिर नायक को बुलाया और माशाल्लाह सबसे पहले कुरान की आयत पढ़ी और कुरान की तिलावत के साथ शुरुआत की और कतर के किंग ने पूरे 2000 उलमा को बुलाया जो लोगों को दीन की दावत दे सकें और काफिरों के सवालों का जवाब दे सकें और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इसका असर भी हुआ और अभी की खबर है कि कतर में 850 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है, सुभान अल्लाह। और अगर यह फीफा वर्ल्ड कप किसी और देश में होता तो वहाँ पर स्टेडियम में शराब पी जाती, लेकिन कतर देश में शराब पूरी तरह बंद है। लेकिन जब बाहर के लोगों ने शराब पीने की जिद की तो कतर के किंग ने कह दिया कि अगर ऐसी बात है तो लाओ $18,000 यानी 15 लाख रुपए एक टिकट के और फिर पियो शराब। कोई आम आदमी सिर्फ एक टिकट के लिए 15 लाख रुपए नहीं दे सकता। और बस चुपचाप बैठ गए और शराब पिए बिना मैच देखने लगे। एक तरफ सऊदी अरब में जीरो एल्कोहल वाली शराब पी जा रही है और जो दूसरी तरफ कतर में शराब पूरी तरह बैन है। और फीफा वर्ल्ड कप में जब बाहर के लोगों ने शराब पीने की जिद की तो कतर के किंग ने साफ इनकार कर दिया। एक तरफ सऊदी अरब में इशा की अजान के टाइम भी डांस कॉन्सर्ट चलता रहा और लड़कियां नाचती रही और दूसरी तरफ इशा की अजान का टाइम होते ही कतर के किंग ने ऐलान कर दिया कि स्पीकर बंद कर दो। एक तरफ सऊदी अरब में हेलोवीन डे मनाया गया जो कि काफिरों का तरीका है और दूसरी तरफ कतर में फीफा वर्ल्ड कप में लोगों के सिर ढके गए और खुशबू बांटी गई और अल्लाह के नबी की सुन्नत जिंदा की गई। एक तरफ सऊदी अरब में लोगों का ईमान खतरे में है और बेहयाई आम हो रही है और बाहर से सिंगर बुलाकर नाच गाना किया जा रहा है और दूसरी तरफ कतर के किंग ने बाहर से 2000 आलिम बुलाए और डॉक्टर जाकिर नायक को बुलाया और कुरान की तिलावत के साथ फुटबॉल मैच की शुरुआत की और 850 लोगों को इस्लाम कबूल करवाया, सुभान अल्लाह। दोनों ही अरब के देश हैं लेकिन फर्क आप देख सकते हैं।